नेक्स्ट आता है ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड किसका बनेगा? होल्डिंग और सब्सिडरी का. ठीक है, होल्डिंग एंड सब्सिडरी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. तो उस केस में जो पैरेंट कंपनी होगी, दैट इज होल्डिंग कंपनी, उसको उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. क्या क्या उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? कॉम्पोनेंट जो कि इंक्लूड किया गया है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, ऑफ द कॉम्पोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है वो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. क्या रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसको वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. कौन कौन से रिलेटेड पार्टीज़ हैं और क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं वो भी उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा. एक्यूरेट एंड कम्प्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम कॉम्पोनेंट्स और बनाना पड़ेगा उसको कंसोलिडेटेड अप्रोप्रिएट कंसोलिडेटेड एडजस्टमेंट्स. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले सेटिस्फाई करना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर किया गया एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27/1831 के हिसाब से. ठीक है, अनेबल करना कि ऑडिटर एक्सप्रेस करे अपना ओपिनियन कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट किया गया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. फीचर्स क्या है इसके? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ऑफ द पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर. इनके अलग अलग आप रिकॉर्ड लेते हैं, उसको आप क्या करते हैं? कंसोलिडेट करते हैं. एंड ऑल्सो अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लिया जाता है जो कि कवर नहीं है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस एंटिटी की. ठीक है, द अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वुड इंक्लूड डिस्क्लोजर टू बी मेड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब आएगा इसके अंदर. सब्सिडरी के बारे में, एसोसिएट जॉइंट वेंचर के बारे में, प्रपोर्शन ऑफ आइटम इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन अप्लाइड, एडजस्टमेंट मेड फॉर द इफेक्ट्स ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट दैट अकर बिटवीन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ जॉइंट वेंचर एंड द पेरेंट एज द केस में भी. आपको सारे एडजस्टमेंट शो करने पड़ेंगे. अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ आएंगी? तो इसके अंदर डिस्क्लोजर्स आएंगे जो कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना है अबाउट सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के बारे में. ठीक है, कैसे आइटम्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कैसे आप एडजस्टमेंट्स करेंगे ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन से. ठीक है, किसके बीच में? सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर या फिर पेरेंट कंपनी के बीच में. ठीक है, ऑडिट ऑफ द CFS दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट जो है वो वर्क कौन करेगा? अदर ऑडिटर्स दैट इज ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट एज रिक्वायर्ड अंडर SA 600 के हिसाब से ऑडिटर्स किए जाएंगे जो कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेंगे. नेक्स्ट, वेरिफिकेशन प्रोसीजर. वेरीफाई भी करना है आपको, तो कंप्लीटनेस को वेरीफाई करना है, इंश्योर करना है कि जो सारे रिलेवेंट सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर हैं उनके सारे अकाउंट्स इंक्लूड किए गए हैं. हिज वर्किंग पेपर्स फॉर द प्रीयर ईयर्स फॉर नॉन सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स. वर्किंग पेपर भी आपको इंक्लूड करना है. पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर. इन्वेस्टमेंट जो भी की गई है टू डिटरमाइन द शेयर होल्डिंग इन अदर एंटिटीज. इन्वेस्टमेंट क्या क्या की गई है ताकि शेयर होल्डिंग्स डिटरमाइन कर जा सकें. जॉइंट वेंचर और अदर रिलेवेंट एग्रीमेंट जो कि एंटर किया है पेरेंट ने. स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड जो कि मेंटेन किया है पेरेंट ने अपने रजिस्टर अंडर सेक्शन 190-186 के अंदर. ठीक है, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना कंप्लीटनेस है कि नहीं, वो कौन करेगा? ऑडिटर की ये ड्यूटीज हैं. कंट्रोल. सिंस कंट्रोल ऑफ द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्निंग बॉडी ऑफ एन एंटरप्राइज ऑल्सो रिजल्ट इन पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग शेयर होल्डर एग्रीमेंट विद एंटिटीज टू विच टेक्नोलॉजी और नो हाउ माइट हैव बीन प्रोवाइडेड. आपको सारे कंट्रोल के हिसाब से भी क्या होता है? सब्सिडी और होल्डिंग का रिलेशनशिप बनता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर गवर्निंग बॉडी को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो उस केस में भी पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप क्रिएट हो सकता है. उस केस में ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट जो भी हुए हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और नो हाउ जो कि आपने प्रोवाइड किया अपने सब्सिडरीज को. ठीक है, एक्सक्लूजन, क्या चीज आपको एक्सक्लूड करनी है? तो जहां पे सब्सिडरी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर कंट्रोल एंटिटी है इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शुड एग्जामिन द रीजन फॉर एक्सक्लूजन. जहां पे सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी है, ठीक है, या फिर जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी है, उनको एक्सक्लूड किया गया कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो उसका रीजन भी आपको बताना पड़ेगा कि क्यों उसको एक्सक्लूड किया गया. अगर आर्ग्यू किया जाता है रीजन फॉर एक्सक्लूजन फ्रॉम कंसोलिडेटेड इज दैट द रिलेशनशिप ऑफ द एंटिटी विद द पेरेंट इज टेम्प्ररी, द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द पेरेंट हैड द इंटेंशन टू डिस्पोज ऑफ इट्स इंटरेस्ट एट द मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपको अगर ऐसा बोल के एक्सक्लूजन का रीज़न बताया जाता है कि जो रिलेशनशिप है पेरेंट का सब्सिडरी के साथ वो टेम्प्ररी है, तो उस केस में आपको एग्जामिन करना है कि हाँ ये सही बोल रहा है कि नहीं और वो इंटरेस्ट में है क्या, कंपनी इसमें कंपनी का इंटरेस्ट था उसमें. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेगी. नेक्स्ट आता है अदर. द ऑडिटर शुड एग्जामिन द रेलेवेंट लॉ एंड एग्रीमेंट टू आइडेंटिफाई लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर ऑफ फंड.
ऑडिटर को एग्जामिन करना पड़ेगा लॉज एग्रीमेंट्स जिसके अंदर लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शंस बने हैं ट्रांसफर ऑफ फंड्स के लिए. रिव्यू कीजिए जो प्रोसीजर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स जो रिलेवेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो फॉलो किए गए हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. वेरीफाई कीजिए कि जो ग्रॉस अमाउंट ऑफ गुडविल कैपिटल रिजर्व है वो सही तरीके से डिस्क्लोज हुआ है. अगर गुडविल अराइज हो रहा है एक सब्सिडरी में वो सेटअप कर दिया गया कैपिटल रिजर्व के साथ तो वो भी आपको अलग से शो करना है. ठीक है. सी वेदर एनी इम्पेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल के लिए कोई भी लॉस अराइज होता है क्या वो भी आपको शो कर. सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या है. परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ये आपके जो भी समझ लीजिए अगर सब्सिडरी है उसके साथ आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो उस सब्सिडरी के साथ आपकी क्या कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है वो भी परमानेंट. जैसे कि समझ लीजिए आपने उनके शेयर्स होल्ड करके रखे हैं तो शेयर्स होल्ड में क्या उसमें कोई चेंज आया है तो ये होगा परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्योंकि हमने इसी बेसिस पे कंसोलिडेट किया है. ठीक है. तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस आएगा तो वो आप किस में शो करेंगे परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट में. जैसे कि ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि जो फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन मेड प्रॉपरली ये सारे एडजस्टमेंट उसने सही तरीके से किए हैं. पहला तो कैपिटल रिजर्व और गुडविल. डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेस और डेफिसिट ऑफ द कॉस्ट टू द पेरेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन अ सब्सिडरी ओवर द पेरेंट्स पोर्शन ऑफ इक्विटी ऑफ द सब्सिडरी एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडी इज मेड. जिस दिन आपने सब्सिडी में क्या किया इन्वेस्टमेंट किया उस दिन डिटरमाइन कीजिए कि कितना आपका कैपिटल रिजर्व है और कितना आपका गुडविल है. ठीक है. उस कंपनी का कितना गुडविल आपके पास है कितना कैपिटल रिजर्व आपके हिस्से में आता है. ठीक है. ये आपको चेक करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डेट में जिस दिन आपने उस सब्सिडरी को सब्सिडरी में आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं. नेक्स्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको चेक करना है कि कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट है. देखिए आप है होल्डिंग ठीक और दूसरी कंपनी है सब्सिडरी. अब सब्सिडरी होल्डिंग का रिलेशनशिप कब बनता है जब आप 51% या फिर मोर होल्ड करते हैं है ना. 51% या मोर आप शेयर्स होल्ड करेंगे तभी वहाँ का सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशनशिप बनता है. मतलब जो पर्सन 49% शेयर होल्ड कर रहा होगा कंपनी का ये तो होल्डिंग होल्ड कर रही है. इसके अलावा 49% शेयर्स बहुत सारे अलग अलग लोग होल्ड कर रहे होंगे तो ये कौन कहलाएगा माइनॉरिटी. ठीक है. तो माइनॉरिटी का कितना इंटरेस्ट है डिटरमाइन कीजिए कि माइनॉरिटी का कितना इंटरेस्ट है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल कितना इक्विटी उनका है माइनॉरिटीज़ का वो आपको फाइंड आउट करना है एट द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट आपने किया है जिस दिन सब्सिडरी में. नेक्स्ट एसोसिएट. डिटरमाइन कीजिए गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कैपिटल सॉरी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप चेक कीजिए कि एसोसिएट्स का कितना शेयर है. अगर एसोसिएट का बना रहे हैं तो गुडविल और कैपिटल रिजर्व हमारा उसमें कितना शेयर है. ठीक है. ये भी आपको चेक करना है. नेक्स्ट है अदर वेरीफिकेशन. ये तो परमानेंट वेरीफिकेशन है. अदर वेरीफिकेशन को हम बोलते हैं करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. ठीक है. करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इस पर्टिकुलर साल के पीरियड इस पर्टिकुलर करंट पीरियड में जितने भी आपके कंसोलिडेशन के एडजस्टमेंट है उसकी बात करता है. ये ज़्यादातर इंटर ग्रुप की बात करता है. इंटर ग्रुप में जो भी चीज़ें हुई हैं जैसे समझ लीजिए होल्डिंग ने ब्रांच को कोई लैंड रेंट पे दिया है. ठीक है. और ये इससे रेंट कलेक्ट कर रही है और कई बार इसने रेंट पे भी नहीं किया है तो क्या ये चीज़ें वहाँ शो करने की ज़रूरत है. वहाँ तो सब इक्वल होगा ना इसलिए ये चीज़ें वहाँ शो करने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए अदर वेरिफिकेशन में आप ये सब चीज़ों को एडजस्टमेंट करेंगे. द ऑडिटर शुड रिव्यू करेगा वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड वेरीफाई करेगा कि जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास हुई है इन द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड है. इंटर ग्रुप इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव कितना इंटरेस्ट और पे हुआ है रिसीव हुआ है इंट्रा ग्रुप में. ठीक है. और मैनेजमेंट फीस कितनी पे हुई है. अनरियलाइज इंटर ग्रुप प्रॉफिट कितना था ऑन एसेट्स और एसेट समझ लीजिए रेंट में दिया या फिर एसेट बेस दिया तो उस केस में कितना प्रॉफिट था फ्रॉम सब्सिडरीज ये भी आपको बताना. इंट्रा ग्रुप इन डेटनेस कितना डेट हमने दिया है दूसरी सब्सिडरी या फिर एसोसिएट या फिर जॉइंट वेंचर को. नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय द पेरेंट इंटरप्राइज एंड सब्सिडरीज. आप एडजस्टमेंट कीजिए और कौन सी डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कि पेरेंट और सब्सिडरी ने फॉलो किए उसको क्या कीजिए एडजस्टमेंट कीजिए उनको एक तरीके से फॉलो करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और द इवेंट दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट एंड वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी यूज फॉर कंसोलिडेशन आर नॉट ड्रॉन अप
टू द सेम रिपोर्टिंग डेट। आपने जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उस समय की डेट अलग हो सकती है, ठीक है, और जब आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं उसकी डेट अलग हो सकती है। तो दोनों के बीच में जो भी आपका अलग हो रहा है उनको आप मैच करने के लिए जो करेंगे वाली एडजस्टमेंट भी आपको करनी है सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ मूवमेंट इन इक्विटेबल एट्रीब्यूटेबल टू द माइनॉरिटी सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सब्सिडी। अब एक्विजिशन, जब से हमने सब्सिडी एक्वायर की उसके बाद से इक्विटी में कितना चेंज आया है माइनॉरिटी का, वो भी आपको बताना है। इसको, ये जो पॉइंट है इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एक पर्टिकुलर पेरेंट कंपनी का, कंसॉलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरी कंपनी का, वो दोनों में डिफरेंस हो सकता है, तो उसका भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट रिपोर्ट हमने देख लिया, ऑडिट सर्टिफिकेट क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, पूरी कंपनी के लिए एक साथ बनाया जाता है, ठीक है, पूरी कंपनी का एज अ होल, उसमें जितने भी अकाउंटिंग चीज़ें हैं उनको चेक की जाती है, वेरीफाई किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, एविडेंस फाइंड आउट किया जाता है, किसके अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है, ये एक सिग्निफिकेंट प्लेस का आप क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, समझ लीजिए एक पर्टिकुलर हेड डेटर्स उनका आप क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, डेटर सही है कि नहीं, उनके जो भी आपने मैथमेटिकल जो भी आपने लिखा होगा एक्यूरेसी है कि नहीं, ठीक है। समटाइम्स अपार्ट फ्रॉम एन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा, जो कि जनरल यूज़ के लिए बनती है, ऑडिटर सर्टिफिकेट भी देता है एक स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है, ऑडिटर रिपोर्ट क्या बन, किस लिए बनता है, जनरल पर्पज़ के लिए, और हमारा सर्टिफिकेट किस लिए बनता है, स्पेशल पर्पज़ के लिए। तो द सर्टिफिकेट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, उसमें आपको ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट में। पहला तो ऑडिटर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, सुटेबल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बाय द मैनेजमेंट। ऑडिटर को चेक करना है कि जो हमारा मैनेजमेंट है उसे सुटेबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किया है सारे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है। जिस स्पेसिफिक पर्पस का आप क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, उसका ऑडिट सर्टिफिकेट देने वाले हैं, उस पर सुटेबल डिक्लेरेशन मैनेजमेंट में दिया रखा है, वो आपको चेक करना है। उसके बाद ऑडिटर को सर्टिफिकेट में किस में देना है, अपने लेटर हेड में देना है या फिर कोई भी स्टेशनरी में देना है जिसमें उसका नाम हो, उसके साथ एड्रेस हो, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। नेक्स्ट, ऑडिटर को क्लियरली स्टेट करना है जो भी लिमिटेशंस हैं, और इंडिकेट करना पड़ेगा कितना एक्सटेंट तक वो पर्टिकुलर ऑडिटर डिपेंड होने वाला है टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ऊपर, ठीक है, कितने एक्सटेंट तक वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के ऊपर डिपेंड होने वाला है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के लिए, ठीक। नेक्स्ट, ऑडिटर को इंडिकेट करना पड़ेगा स्पेसिफिक रिकॉर्ड में जो कि उसके सर्टिफिकेट में कवर्ड है, ठीक है। ऑडिटर शुड इंडिकेट द स्पेसिफिक रिकॉर्ड, किस चीज़ का वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड बना रहा है वो उसको अपने सर्टिफिकेट में बताना पड़ेगा। ऑडिटर को मेंशन करना पड़ेगा कि किस मैनर में वो ऑडिट कंडक्ट करने वाला है, ठीक। ऑडिटर को इंडिकेट करना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेट में कि वो कौन से फंडामेंटल एजम्पशंस के ऊपर वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट बना रहा है। ऑडिटर को रेफरेंस देना पड़ेगा ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन जो भी उसने ऑब्टेन किया है। उसके साथ साथ ऑडिटर को क्लियर टाइटल देना है इंक्लूडिंग वेदर अ रिपोर्ट और अ सर्टिफिकेट। तो उसको टाइटल क्या होता है, जैसे हमने उसमें ऑडिट रिपोर्ट में क्या दिखा था, आपको लिखना पड़ेगा ऊपर में ऑडिट रिपोर्ट, इसमें आपको टाइटल देना पड़ेगा एज ऑडिट सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर शुड मेंशन वेदर ही हैज़ यूज जनरल पर्पस स्टेटमेंट, उसने क्या कोई जनरल पर्पस स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया है, और क्या वो जनरल पर्पस स्टेटमेंट जो भी उसने यूटिलाइज़ किया है क्या वो ऑडिटेड है किसी और अदर ऑडिटर से, ये भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट, ऑडिटर को क्या करना है, केयरफुल रहना है जब वो लॉ को इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, रिलेटेड मैटर्स के लिए जब भी वो लॉ को इंटरप्रेट करेगा उसको केयरफुल रहना है। क्या चीज़ के लिए केयरफुल रहना है, कि सारी चीज़ें लॉ के हिसाब से फुलफ़िल हो रही कि नहीं। इसके साथ साथ उसको ही इज़ एक्सप्रेसिंग मेयरली हिज ओपिनियन, ही शुड क्लियरली मैंशन, उसको खुद से क्लियरली मैंशन करना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, अपना। नेक्स्ट, ऑडिटर को देखना है कि जो सर्टिफिकेट है वो सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट है। ऑडिटर शुड क्लियरली मैंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम्ड बाई हिम, जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सब भी उसको अपने ऑडिट सर्टिफिकेट में बताना पड़ेगा। ऑडिटर शुड, इफ़ ही हैज़ रेफर्ड द ऑडिट स्टेटमेंट, क्लियरली मैंशन दैट द फिगर्स आर यूज फ्रॉम द ऑडिटेड स्टेटमेंट एंड रिलाइड अपॉन। अगर ऑडिटर, समझ लीजिए जो भी ऑडिट स्टेटमेंट या फिर ऑडिट रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो अगर वो उसके फिगर्स के ऊपर डिपेंड करता है तो उस केस में उसको वो बताना पड़ेगा अलग से कि मैंने ऑडिट स्टेटमेंट को फॉलो किया और मैंने उसके ऊपर रिलाई हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिटर शुड एड्रेस द सर्टिफिकेट टू द क्लाइंट और द पब्लिक अथॉरिटी, किसको एड्रेस करना है, क्लाइंट को या फिर पब्लिक अथॉरिटी को या फिर ऐसे पर्सन को जिसको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है। कई सारे सर्कमस्टेंसेस में ऐसा भी होता है कि वो लोग लिख देते हैं टू होम सो एवर इट में कंसर्न, जिसके लिए ये कंसर्न है, जो लोग इसके लिए कंसर्न है उन सबके लिए ये है,
ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड स्पेसिमेन ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट का एग्जाम्पल भी दिया, उसके साथ स्पेसिमेन भी दिया हुआ है आपको. पहला है डिपॉजिट रिटर्न सर्टिफिकेट, दूसरा है एबिलिटी टू रिफंड डिपॉजिटर्स. डिपॉजिट रिटर्न क्या है? डिपॉजिट रिटर्न सर्टिफिकेट एज प्रोवाइडेड अंडर रूल 10 सब रूल 1 ऑफ कंपनीज रूल्स, अ नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी को पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसके अंदर वो बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट उसने एक्सेप्ट किया है, कितने अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है वो आप किस में शो करेंगे, अपने डिपॉजिट रिटर्न में. और उस रिटर्न की कॉपी आपको फाइल करनी है विद RBI. दिस रिटर्न इज टू बी सर्टिफाइड बाय द कंपनी, ऑडिटर इसको सर्टिफाई करेगा. और उसका स्पेसिमेन आपको दिया हुआ है, वी सर्टिफाइड एट द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज. ये कौन बोल रहा है? ऑडिटर बोल रहा है कि हम सर्टिफाई करते हैं कि हमारी नॉलेज के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन हमको दी गई थी उसके हिसाब से जो भी रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए हैं हमने और जो भी फिगर्स ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट्स हमने देखे हैं ऑफ ABC of the return of the जो भी कंपनी उसका नाम लिख दीजिए और वो करेक्ट है, ये आपको शो करना है. नेक्स्ट वी फर्दर सर्टिफाई द करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर्स ऑफ द पेड अप कैपिटल भी करेक्ट है और फ्री रिजर्व्स भी करेक्ट है, हम उसका भी सर्टिफिकेशन देते हैं. फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर एंड सील मारना है, किसको? चार्टर अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट को, या उसके साथ साथ फुल एड्रेस आपको लिखना है और इधर साइड आप डेट और प्लेस लिखेंगे. नेक्स्ट है एबिलिटी टू रिफंड डिपॉजिट. यहाँ क्या बताया? डिपॉजिट आपने एक्सेप्ट कर लिया, इसके बाद डिपॉजिट को हमको रिफंड भी करना पड़ता है. पैसे आपने पब्लिक से लिए तो क्या पैसे उनको वापस देंगे नहीं आप, तो आपको वो भी वापस करना पड़ता है. तो उसके लिए भी अलग से आप एक सर्टिफिकेट बनाते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डायरेक्शन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम. एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द RBI को, उनको फर्निश करना है अ सर्टिफिकेट जिसमें ऑडिटर बताएगा कि जो भी फुल लाइबिलिटी है डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी की इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आर प्रॉपरली रिफ्लेक्ट किया गया उनको बैलेंस शीट में और कंपनी इस पोजीशन में है कि वो सारे अमाउंट को पे कर सकती है और सारी लाइबिलिटीज़ को पे कर सकती है. एज पर RBI द सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऊपर आपको लिखना है. नेक्स्ट उसके बाद वी सर्टिफाई दैट, वी कौन लिख रहा है? ऑडिटर या फिर फर्म ऑफ ऑडिटर, वो सर्टिफाई करेंगे कि हमने जो भी चेक्स कैरिड आउट किए हैं और जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हमको मिली है उसके हिसाब से आई एम ऑफ द ओपिनियन, मतलब वो पर्टिकुलर ऑडिटर अपने ओपिनियन के हिसाब से बता रहा है कि जो भी फुल लाइबिलिटीज़ हैं टू द डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन वो सारे रिफ्लेक्ट किए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ऑन 31st March ऑफ द कंपनी. एज पर द सेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से सारे गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए गए हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन जो भी हमको दिया गया था उसके हिसाब से गोइंग कंसर्न बेसिस में हम सारे स्टेटमेंट्स हुए हैं. इज़ इन अ पोजिशन, और कंपनी जो है वो पोजिशन में है कि वो सारी लाइबिलिटीज़ पे कर सकती है सारे डिपॉजिटर्स को. ऑल्सो एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू गिव सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा उसको वेरियस प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, जैसे कि अंडर सेक्शन 26 फॉर मैटर्स इन द प्रोस्पेक्टस, अंडर सेक्शन 73 फॉर पब्लिक डिपॉजिट. इन शॉर्ट ऑडिट सर्टिफिकेट इज अ रिटन कन्फर्मेशन है वो, जिसमें आप एक्यूरेसी चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन की जो कि उसमें लिखी गई है और उसमें अपना ओपिनियन देते हैं. इसमें भी सेम सिग्नेचर एंड सील ऑफ चार्टर अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट फुल एड्रेस लिख के डेट और प्लेस करके आपको उसको शो करना है. ठीक, लास्ट आता है हमारा ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसको हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? मीनिंग दिया हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट एक स्टेटमेंट है जो कलेक्ट किया जाता है और उसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं सो एज टू गिव क्लियर पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी. जो भी बिजनेस है उसका स्टेट ऑफ अफेयर्स को क्लियरली डिफाइन करने के लिए हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं. और ये इस किसके लिए बनाई जाती है? ऐसे पर्सन के लिए जिनके पास फुल फैक्ट्स नहीं है उस पर्टिकुलर बिजनेस में क्या काम हो रहा है उसके फुल फैक्ट्स उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनके लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है. ठीक है, नेक्स्ट ऑडिट सर्टिफिकेट क्या है? एक रिटर्न कन्फर्मेशन है एक्यूरेसी का उस इन्फॉर्मेशन जो भी उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है. पहला तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और ये क्या है? रिटर्न कन्फर्मेशन है जिसके अंदर आप एक्यूरेसी को कन्फर्म करते हैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए. नेक्स्ट ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन देता है ऑडिटर अकाउंट्स के ऊपर. ऑडिट सर्टिफिकेट में कोई भी ओपिनियन नहीं होता है, इसमें कन्फर्मेशन होता है कि जो भी एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट वो मेंटेन करके रखा गया है. नेक्स्ट बेसिस, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी उसको मिलती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से वो बनाई जाती है. ठीक है, ऑडिट सर्टिफिकेट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर डाटा जो उनको दिया जाएगा कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन एज रिगार्ड टू एक्यूरेसी के हिसाब से उसके हिसाब से उसमें वो बनता है ऑडिट सर्टिफिकेट. गारंटी, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो गारंटी नहीं करेगा करेक्टनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एब्सोल्यूट टर्म. कभी भी एब्सोल्यूट
गारंटी प्रोवाइड नहीं करता ऑडिट रिपोर्ट, लेकिन जो ऑडिट सर्टिफिकेट है वो गारंटी करता है एब्सोल्यूट करेक्टनेस और फिगर्स और इन्फॉर्मेशन जो भी मेंशन किए गए सर्टिफिकेट में. नेक्स्ट कवरेज, ऑडिट रिपोर्ट्स ऑलवेज कवर इंटायर अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न, पूरा कवर होता है. ऑडिट सर्टिफिकेट में आप एक स्पेसिफिक सर्टेन पार्ट ऑफ द अकाउंट्स आर कंसर्न को, स्पेसिफिक या सर्टेन पार्ट को ही कवर करते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिपोर्ट डज नॉट होल्ड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी थिंग रॉन्ग इन द अकाउंट. ऑडिटर रिपोर्ट जो है वो कभी भी ऑडिटर को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहलाएगी अगर रॉन्ग होता है कुछ भी अकाउंट में, ठीक है. लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट जिसने बनाया है वो वाला ऑडिटर हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, जो भी थिंग उसने सर्टिफिकेट में लिखी है वो रॉन्ग हो जाती है तो. सजेशन, ऑडिटर रिपोर्ट में प्रोवाइड सर्टेन सजेशंस भी हो सकते हैं ऑडिटर रिपोर्ट में, लेकिन ऑडिट सर्टिफिकेट में कोई ऐसा सजेशन वाला पार्ट नहीं होता है. नेचर, ऑडिटर इज बेस्ड, ऑडिट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन वाउचिंग वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, वाउचर एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है आपका ऑडिट रिपोर्ट. जो ऑडिट सर्टिफिकेट है वो चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. स्कोप, ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो कि एक पर्टिकुलर ईयर में हुए उन सबको कवर करता है. ये वेरी स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को ही कवर करता है. कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब्जेक्टिव है क्योंकि ये ओपिनियन ओरिएंटेड है, यहाँ पे ओपिनियन दिया जाता है. ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिट सर्टिफिकेट क्योंकि यहाँ पे फैक्ट ओरिएंटेड है, जो भी फैक्ट है उसको एस्टैब्लिश किया जाता है. फॉर्म, ऑडिट रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, इसको आपको फॉर्म को देना है और रिपोर्ट को देना. ऑडिट सर्टिफिकेट में कुछ केसेस में ऐसा प्रिस्क्राइब्ड रहता है कि जिस फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना है उसी में प्रोवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं होता. ये नॉर्मली आप जैसे आप चाहें वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. एड्रेस, ऑडिटर रिपोर्ट में इस एड्रेस टू द मेंबर्स को ये दिया जाता है एट लार्ज और अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी या फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी को. या फिर ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या होता है, ये एड्रेस किया जाता है ऐसे पर्सनस को या फिर समटाइम पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा या फिर समटाइम क्या होता है ये उन सारे पर्सन्स को दिया जाता है जो कि इसके लिए कंसर्न्ड है. आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो. इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं. इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं. आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो. अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स. सो दैट्स इट. See you all in the next video.